एक विधायक जी महाराज थे, जो एक चुटकी में चावल और चम्मच में दूध लेकर घूमते रहे कि कोई खीर बना दो, खीर बना दो। तब एक बुढ़िया माई बोली कि ला, मैं बना देती हूँ। बुढ़िया माई एक कटोरी लाई। तब विधायक जी महाराज ने कहा कि बुढ़िया माई, तो कटोरी क्यों लेके आई है, बड़ा सा भगोना चढ़ा। तो बुढ़िया माई ने कहा, इतना बड़ा भगोना उसका क्या करेंगे, यहाँ तो कटोरी ही बहुत है। तब विधायक जी ने कहा, चढ़ा कर तो देख। बुढ़िया माई ने बड़ा सा भगोना चढ़ा दिया। भगोना तो चढ़ाते ही दूध से भर गया। विधायक जी महाराज ने कहा कि मैं बाहर जाकर आता हूँ और तुम खीर बनाकर तैयार रखना। खीर बनकर तैयार हो गई। विधायक जी आए नहीं तो अब बुढ़िया माई का मन चलने लगा। वो दरवाजे के पीछे बैठकर खीर खाने लगी और बोली, जय विधायक जी महाराज, आप भोग लगाओ। इतने में ही विधायक जी आ गए और बोले, बुढ़िया माई खीर तैयार हो गई। बुढ़िया माई ने कहा, हाँ तैयार हो गई, आओ जीमो। तब विधायक जी बोले, मैं तो जीम लिया जब तुमने भोग लगाया था। बुढ़िया माई बोली कि हे महाराज, आपने तो मेरा सारा ही पर्दाफाश कर दिया, लेकिन और किसी का मत करना। विधायक जी महाराज ने बुढ़िया माई के खूब अटूट धन के भंडार भर दिए। हे विधायक जी महाराज, जैसा उस बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको ही देना, कहना सुनना और हुकारा भरना सबको ही देना, हमारे सारे परिवार को देना। जय हो विधायक जी महाराज।